हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, जिनके भी पास मनी एंड बैंकिंग का सब्जेक्ट है, उन सभी के लिए वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपके साथ अब लेकर आने वाला हूँ वन शॉट रिविजन वीडियो। इसकी चारों यूनिट को एक एक वीडियो के अंदर कवर करवा दूंगा मैं आपको। चार वीडियो आएंगी टोटल, चारों यूनिट आपकी उन वीडियोस के अंदर कवर हो जाएंगी डिटेल में। जो जो चीजें आपके एग्जाम के सिलेबस में दी गई हैं, आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, सारी चीजें मैं आपको कवर करवाने वाला हूं। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इन सारी चीजों को। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जिन नोट्स में से मैं आपको ये वीडियोस करवाने वाला हूँ वो पेड नोट्स हैं। अगर आपको वो परचेज करने हैं आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। सिर्फ 129 रुपीज में आपको चारों यूनिट के नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो देखिए, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारी यूनिट नंबर 4 है, जिसका नाम है सेंट्रल बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या चीजें हमें इसमें कवर करनी है। नंबर 1, सेंट्रल बैंक फंक्शन एंड बैलेंस शीट, मॉनेटरी पॉलिसी टारगेट एंड इंस्ट्रूमेंट, मॉनेटरी मैनेजमेंट इन एन ओपन इकोनॉमी, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया इवोल्यूशन एंड करंट सिनेरियो क्रिटिकल इवेल्युएशन, डिजिटल करेंसी इम्प्लीकेशन एंड इमर्जिंग इशू इन इंडियन इकोनॉमी। इतनी चीजें हमें इस यूनिट के अंदर कवर करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले सेंट्रल बैंक क्या होती है। सेंट्रल बैंक इज अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन दैट मैनेज अ नेशंस करेंसी मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। जो सेंट्रल बैंक होती है ये एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन होता है किसी कंट्री का, जो कि उस कंट्री की करेंसी मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को मैनेज करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्रोमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड प्रोवाइडिंग अ स्टेबल करेंसी। ये किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है सेंट्रल बैंक, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और स्टेबल करेंसी प्रोवाइड करवाने के लिए। द रिजर्व बैंक RBI ट्रेसेस इट्स ओरिजिन बैक टू 1926। जो इंडिया की सेंट्रल बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक कब से स्टार्ट हुई है, इसका ओरिजिन कहाँ से माना जाता है, 1926 से, व्हेन द हिल्टन यंग कमीशन रिकमेंडेड इट्स क्रिएशन टू मैनेज इंडिया करेंसी एंड बैंकिंग। जो हिल्टन यंग कमीशन थी ब्रिटिशर्स की, उन्होंने जब इसकी क्रिएशन को रिकमेंड किया था कि इंडिया की करेंसी और बैंकिंग को मैनेज करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्टेबलाइज इन 1935 द RBI रिमेंस ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर स्टेबल मनी सप्लाई एंड मैनेज द कंट्री करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम। 1935 में स्टेबलाइज होने के बाद RBI का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि मनी सप्लाई को स्टेबल रखे, मनी वैल्यू को स्टेबल रखे और कंट्री की करेंसी और क्रेडिट सिस्टम को मैनेज करे। ओवर टाइम इट्स रोल एक्सपेंडेड टू इंक्लूडिंग प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, डेवलपिंग फाइनेंशियल मार्केट एंड रेगुलेटिंग बैंक एंड नॉन बैंकिंग एंटिटीज। ओवर द टाइम RBI में क्या क्या चीजें आई हैं, ग्रोथ हुई है, फाइनेंशियल मार्केट डेवलप हुई है, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग एक्टिविटी को रेगुलेशन का काम इनका और बढ़ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक। एक सेंट्रल बैंक के क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो सेंट्रल बैंक के दो फंक्शन होते हैं, मॉनेटरी फंक्शन और नॉन मॉनेटरी फंक्शन। मॉनेटरी फंक्शन में सबसे पहला आता है मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। सेंट्रल बैंक कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी एंड सेट इंटरेस्ट रेट टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। जो सेंट्रल बैंक है वो सप्लाई मनी की सप्लाई को कंट्रोल करती है, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करती है, जिससे प्राइस स्टेबिलिटी आ सके और इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। दे यूज टूल्स सच एज रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो टू रेगुलेट इन्फ्लेशन एंड मैनेज लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। जो सेंट्रल बैंक है वो इन सारे टूल्स का यूज करती है कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन को रेगुलेट करने के लिए और लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए। सेकंड आता है फंक्शन करेंसी इश्यूएंस का। तो सेंट्रल बैंक हैव द एक्सक्लूसिव अथॉरिटी टू इशू नेशनल करेंसी नोट्स एंड कॉइन। जो सेंट्रल बैंक है उसके पास अथॉरिटी है, सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास अथॉरिटी है कि वो करेंसी नोट्स और कॉइन्स को इशू कर सके। द नोट दे इशू आर कंसिडर्ड लीगल टेंडर एंड आर बैक्ड बाई गवर्नमेंट फाइनेंशियल स्टैंडिंग। जो ये नोट इशू करती है वही लीगल टेंडर माने जाते हैं। थर्ड फंक्शन आता है लेंडर्स लास्ट रिसोर्ट। इन
टाइम ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस और लिक्विडिटी शॉर्टफॉल सेंट्रल बैंक प्रोवाइड लोन टू कमर्शियल बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन द फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे सेंट्रल बैंक क्या करती है, कमर्शियल बैंक और जो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन्हें लोन भी प्रोवाइड करवाती है, जिससे फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहे। नेक्स्ट फंक्शन आता है बैंकर्स टू गवर्नमेंट। द सेंट्रल बैंक मैनेज द गवर्नमेंट अकाउंट्स, फैसिलिटेट द इश्यूएंस ऑफ गवर्नमेंट डेट एंड हेल्प इन कंडक्टिंग पब्लिक डेट मैनेजमेंट बाय मैनेजिंग द सेल एंड इश्यूएंस ऑफ बॉन्ड और ट्रेजरी बिल। जो सेंट्रल बैंक होती है वो गवर्नमेंट के अकाउंट को मेंटेन करती है, गवर्नमेंट के डेट्स वगैरह इशू करने को फैसिलिटेट करती है, साथ में डेट मैनेजमेंट करती है बॉन्ड और ट्रेजरी बिल इशू करके, ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉरेन एक्सचेंज एंड गोल्ड रिजर्व मैनेजमेंट। तो सेंट्रल बैंक कंट्रोल एंड मैनेज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टू स्टेबलाइज नेशनल करेंसी एंड मिटिगेट द वॉलेटिलिटी इन एक्सचेंज रेट। जो सेंट्रल बैंक है वही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भी कंट्रोल करती है और मैनेज करती है, जिससे नेशनल करेंसी स्टेबलाइज रहे, उसमें किसी भी फ्लक्चुएशन की वजह से वॉलेटिलिटी ना आए। दे इंटरवीन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। नेक्स्ट फंक्शन आता है रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। तो सेंट्रल बैंक सुपरवाइज एंड रेगुलेट कमर्शियल बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जो सेंट्रल बैंक होती है वो कमर्शियल बैंक्स को सुपरवाइज करती है, रेगुलेट करती है, और जो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं उन्हें भी सुपरवाइज एंड रेगुलेट करती है। किस लिए? जिससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बनी रहे और बैंकिंग रेगुलेशंस एंड लॉ कंप्लाई करते रहे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन मॉनेटरी फंक्शंस। नॉन मॉनेटरी फंक्शंस में पहला आता है मैनेजमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। तो सेंट्रल बैंक प्रोवाइड एंड ओवरसीज पेमेंट सिस्टम दैट इनेबल द ट्रांसफर ऑफ फंड बिटवीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सेंट्रल बैंक क्या करता है, दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच में फंड ट्रांसफर को इनेबल कर देता है और उसकी देखरेख करता है, एक उन्हें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी फंड ट्रांसफर कर सके। दिस इंक्लूड मैकेनिज्म लाइक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, क्लियरिंग हाउस एंड सेटलमेंट सिस्टम। सेकेंड फंक्शन है प्रमोशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो सेंट्रल बैंक वर्क टू इंश्योर दैट बैंकिंग सिस्टम रिमेन स्टेबल एंड रोबस्ट, प्रिवेंटिंग सिस्टमैटिक रिस्क एंड इनकरेजिंग साउंड बैंकिंग प्रैक्टिस। सेंट्रल बैंक ये भी इंश्योर करता है कि जो बैंकिंग सिस्टम है वो स्टेबली वर्क करे, रोबस्टली वर्क करे, किसी भी तरीके का कोई रिस्क ना रहे और साउंड बैंकिंग प्रैक्टिस इनकरेज हो। थर्ड फंक्शन आता है रिसर्च एंड डेटा कलेक्शन। तो सेंट्रल बैंक कलेक्ट एंड पब्लिश डेटा ऑन वेरियस इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, कंडक्ट रिसर्च ऑन इकोनॉमिक कंडीशन एंड प्रोवाइड एनालिसिस ऑन इशू रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी एंड बैंकिंग एंड द इकोनॉमी। जो सेंट्रल बैंक है वो अलग अलग फाइनेंशियल इंडिकेटर्स के बारे में डाटा कलेक्ट करता है, पब्लिश करती है, और उसके अलावा रिसर्च कंडक्ट करते हैं इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड और जो भी मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड और इकोनॉमी से रिलेटेड रिस्क होते हैं उनका एनालिसिस भी करती है। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट डेट मैनेजमेंट। तो सेंट्रल बैंक असिस्ट द गवर्नमेंट इन मैनेजिंग इट्स डेट पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग एडवाइजिंग ऑन इश्यूएंस ऑफ बॉन्ड, मैनेजिंग द इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट एंड बाइंग सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द सेकेंडरी मार्केट। जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट को उनका डेट पोर्टफोलियो मैनेज करने में भी हेल्प करती है, उन्हें एडवाइस देती है कि कब उन्हें बॉन्ड इशू करने चाहिए, इंटरेस्ट जो पब्लिक डेट पर है वो कितने रेट परसेंट रेट का होना चाहिए, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को वो बाय सेल करती है सेकेंडरी मार्केट में और उनके डेट पोर्टफोलियो को इस तरीके से मैनेज करती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंट्रल बैंक बैलेंस शीट की। जो सेंट्रल बैंक होती है उसकी बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें होती हैं। तो द बैलेंस शीट ऑफ अ सेंट्रल बैंक इज अ स्नैपशॉट ऑफ इट्स फाइनेंशियल पोजीशन एट स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। जो सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट होती है वो एक स्नैपशॉट होता है, क्या बताता है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर। इसकी दो साइड होती हैं, जैसे बैलेंस शीट में होती है एसेट साइड एंड लाइबिलिटी साइड। एसेट क्या दिखाता है, दे रिप्रेजेंट व्हाट द सेंट्रल बैंक ओन्स और कंट्रोल। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसके ऊपर सेंट्रल बैंक की ओनरशिप है या कंट्रोल है। लाइबिलिटी में दीज रिप्रेजेंट व्हाट द सेंट्रल बैंक ओस टू अदर। और लाइबिलिटी में आता है कि सेंट्रल बैंक ने दूसरों की क्या चीजें ले रखी हैं, इंक्लूडिंग मनी सप्लाई एंड ऑब्लिगेशन टू डोमेस्टिक एंड फॉरेन एंटिटीज, ठीक है।
नेक्स्ट इज सेंट्रल बैंक बैलेंस शीट की कंपोनेंट। अब बैलेंस शीट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, तो एसेट साइड में दिखता है सबसे पहले फॉरेन करेंसी रिजर्व। तो सेंट्रल बैंक होल्ड फॉरेन करेंसी टू मैनेज एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। सेंट्रल बैंक क्या करती है, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए फॉरेन करेंसी को होल्ड करके रखती है। दीज रिजर्व आर टिपिकली यूज्ड इन इंटरवेंशन एक्टिविटी इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू स्टेबलाइज द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। जब भी वॉलीटिलिटी आती है डोमेस्टिक करेंसी में फॉरेन मार्केट के अंदर, तो जो गवर्नमेंट है इन फॉरेन करेंसीज का यूज करके मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी लाती है। इसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो दीज आर बॉन्ड ट्रेजरी बिल और डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट। इसके अलावा क्या होता है, एसेट साइड में गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है, ऐसे बिल्स ट्रेजरी बिल्स बॉन्ड जो गवर्नमेंट इशू करती है सेंट्रल बैंक परचेज करती है। सेंट्रल बैंक ऑफन होल्ड दीज सिक्योरिटी एज अ पार्ट ऑफ देयर मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेशन एंड टू मैनेज लिक्विडिटी इन द फाइनेंशियल सिस्टम। जो सेंट्रल बैंक है ये क्यों होल्ड करती है, जिससे क्या हो, जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके अंदर लिक्विडिटी बनी रहे। नेक्स्ट है लोन्स टू कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक में प्रोवाइड लोन टू कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफन इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट लोन और ओवरनाइट लेंडिंग। दीज लोन्स अपीयर्स ऑन एसेट ऑन द बैलेंस शीट। जो सेंट्रल बैंक होती है वो दूसरी कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लोन भी प्रोवाइड करवाती है इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंटेड लोन और ओवरनाइट लेंडिंग। तो वो जो होते हैं वो भी सेंट्रल बैंक के लिए एसेट होते हैं और एसेट साइड में शो होते हैं। इसके अलावा गोल्ड रिजर्व होता है, तो सेंट्रल बैंक में आल्सो होल्ड गोल्ड एज अ पार्ट ऑफ देयर एसेट बेस। गोल्ड हैज हिस्टोरिकल बीन यूज्ड टू बैक करेंसी एंड इज कंसीडर्ड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। इसके अलावा जो सेंट्रल बैंक होती है वो गोल्ड भी होल्ड करती है एज अ पार्ट एज अ एसेट इन देयर बैलेंस शीट। नेक्स्ट इज अदर करंट एसेट्स। तो दीज कैन इंक्लूड फिजिकल एसेट्स लाइक बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट एज वेल एज इन्वेस्टमेंट इन द सेंट्रल बैंक। इसके अलावा एसेट साइड में और क्या आएगा, एसेट आएंगे बिल्डिंग और इक्विपमेंट वगैरह, और जो इन्वेस्टमेंट सेंट्रल बैंक होल्ड करती है वो सारी इसके अंदर आ जाती है। सेकेंड साइड होती है लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में आता है पहला करेंसी इन सर्कुलेशन। तो दिस रिप्रेजेंट द टोटल अमाउंट ऑफ करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक दैट इज करंटली इन द हैंड ऑफ द पब्लिक। करेंसी इन सर्कुलेशन के अंदर आता है आपका कि वो सारी अमाउंट जो सेंट्रल बैंक ने इशू कर रखी है और अभी पब्लिक के पास है। इट इज द लार्जेस्ट लाइबिलिटी ऑन सेंट्रल बैंक बैलेंस शीट बिकॉज द सेंट्रल बैंक मस्ट बैक द करेंसी विद एसेट सच एज रिजर्व और गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये जो होता है वो सबसे बड़ा पार्ट होता है लाइबिलिटी का बैलेंस शीट का, क्योंकि इसके अंदर वो सारी करेंसी आ जाती है जितनी भी पब्लिक के पास होती है बट उन्होंने बैंक के पास डिपोजिट कर रखी होती है, क्योंकि ये जो करेंसी होती है ये उन्हें पे बैक करनी होती है पब्लिक को। नेक्स्ट आता है उसमें बैंक रिजर्व। तो कमर्शियल बैंक होल्ड रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक टू मीट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड टू फैसिलिटेट इंटरबैंक ट्रांजैक्शन। इसके अलावा कमर्शियल बैंक को कुछ रिजर्व्स को होल्ड करना होता है अपने साथ में रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को मीट आउट करने के लिए और फैसिलिटेट करने के लिए बैंक इंटरबैंक ट्रांजैक्शन को। तो जो कमर्शियल बैंक रिजर्व होल्ड करती है सेंट्रल बैंक के साथ में, ये जो होते हैं ये भी लाइबिलिटी होते हैं और सेंट्रल बैंक के लिए लाइबिलिटी का साइड में शो करते हैं बैलेंस शीट में। नेक्स्ट है गवर्नमेंट डिपॉजिट। तो सेंट्रल बैंक मैनेज द गवर्नमेंट अकाउंट एंड द डिपॉजिट हेल्ड बाय गवर्नमेंट एट द सेंट्रल बैंक आर पार्ट ऑफ इट्स लाइबिलिटी। जो सेंट्रल बैंक होती है वो गवर्नमेंट के अकाउंट्स को मैनेज करती है और जो डिपॉजिट होते हैं वो भी गवर्नमेंट के इन्हीं के पास होते हैं और इसकी लाइबिलिटी का पार्ट बनते हैं। These include general government fund and special account, ठीक है? Next is currency notes and coin issued. So this refers to the total currency notes and coin issued by central bank that have not yet been redeemed and or returned. और इसके अलावा क्या जाता है liability में, total currency notes और coins जो central bank ने issue कर रखे हैं और अभी तक redeem नहीं करे हैं या return नहीं लिए हैं। The central bank owns this amount to the holders of the currency. ये किसकी amount होती है, जिसकी वो अमाउंट होल्ड कर रखी होती है उनकी होती है, सेंट्रल बैंक की ये नहीं होती, तो लाइबिलिटी साइड में शो हो रही होती है। इसके अलावा फॉरेन लाइबिलिटीज होती हैं, तो सेंट्रल बैंक आल्सो हैव लाइबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी ऑब्लिगेशन विच अराइज फ्रॉम ट्रांजेक्शन विद अदर कंट्री और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। सेंट्रल बैंक के पास इसके अलावा फॉरेन करेंसी की ऑब्लिगेशन भी होती है, जो कैसे आती है, जब सेंट्रल बैंक ट्रांजेक्शन करती है दूसरी कंट्रीज के साथ या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ, तब उन्हें ये करेंसी मिलती है। दीज में इंक्लूड लोन फ्रॉम फॉरन गवर्नमेंट, पेमेंट ऑन टू फॉरन सेंट्रल बैंक और करेंसी स्वैप्स। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं आपकी, या तो लोन जो फॉरन गवर्नमेंट से लिया है वो होता है, या फिर जो फॉरन सेंट्रल बैंक को पेमेंट करनी है वो अमाउंट होती है,
या फिर करेंसी स्वैप्स की अमाउंट होती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपकी एसेट और लाइबिलिटी साइड थी बैलेंस शीट की। नेक्स्ट टॉपिक आएगा मॉनेटरी पॉलिसीज क्या 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 होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द एक्शन टेकन बाय कंट्री सेंट्रल बैंक और मॉनेटरी अथॉरिटी टू मैनेज द मनी सप्लाई इंटरेस्ट रेट एंड ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक किसी कंट्री की जो भी डिसीजन लेती है, एक्शन लेती है मनी सप्लाई को मैनेज करने के लिए, इंटरेस्ट रेट को मैनेज करने के लिए और ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए, वो सारी पॉलिसी क्या कहलाती है, मॉनेटरी पॉलिसी कहलाती है। द गोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू अचीव स्पेसिफिक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स सच एज कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, स्टेबलाइजिंग द करेंसी, फोस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंश्योरिंग फुल एम्प्लॉयमेंट। जो मॉनेटरी पॉलिसी का गोल होता है वो क्या होता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, करेंसी को स्टेबलाइज करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को फोस्टर करना और फुल एम्प्लॉयमेंट को इंश्योर करना, ये इसका गोल होता है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी टारगेट्स क्या होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी टारगेट रेफर्स टू द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और आउटकम दैट द सेंट्रल बैंक सीक्स टू अचीव थ्रू इट्स एक्शन। मॉनेटरी पॉलिसी टारगेट का मतलब होता है मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करके जो सेंट्रल बैंक है वो क्या ऑब्जेक्टिव और आउटकम को अचीव करना चाहती है, वो कहलाता है मॉनेटरी पॉलिसी टारगेट। द टारगेट गाइड द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। जो ये टारगेट है वो मॉनेटरी पॉलिसी की फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करते हैं और एज अ बेंचमार्क काम करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को इवेल्युएट करने के लिए, ठीक है। अब कौन कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी होती है। पहली आती है प्राइस स्टेबिलिटी, जो कि किस लिए करी जाती है, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन के लिए। तो वन ऑफ द प्राइमरी गोल ऑफ मोस्ट सेंट्रल बैंक इज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी। जो मेन गोल होता है सेंट्रल बैंक का वो क्या 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 होता है, सबसे पहला गोल होता है प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। By controlling inflation, the central bank helps preserve the purchasing power of the currency, ensuring that price of goods and services do not increase rapidly. अगर inflation control हो जाएगी तो purchasing power बनी रहेगी लोगों की और goods के services के price ज़्यादा increase नहीं होंगे। Inflation targeting is often used as policy framework where the central bank set an explicit inflation target and use monetary policy tool to achieve it. Inflation targeting के अंदर एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाता है जिसके अंदर सेंट्रल बैंक एक इन्फ्लेशन टारगेट सेट करती है और मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करती है उसे अचीव करने के लिए। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। सेंट्रल बैंक एम्स टू सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ बाय मेंटेनिंग अ स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। दिस इन्वॉल्व इंश्योरिंग दैट द इकोनॉमी ग्रो एट अ सस्टेनेबल रेट विदाउट ट्रिगरिंग एक्सेसिव इन्फ्लेशन। जो सेंट्रल बैंक है उसका और क्या एम होता है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करे स्टेबल माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को मेंटेन करके। इसके अंदर वो क्या करती है, इकोनॉमी को ग्रो करती है सस्टेनेबल रेट से विदाउट ट्रिगरिंग एक्सेसिव इन्फ्लेशन, मतलब बिना इन्फ्लेशन बढ़ाए उसे सस्टेन रेट से ग्रो करती है। बाय इन्फ्लुएंसिंग इंटरेस्ट रेट एंड क्रेडिट कंडीशन सेंट्रल बैंक एम टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन लीडिंग टू हायर आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल। इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस करके, क्रेडिट कंडीशन को इन्फ्लुएंस करके सेंट्रल बैंक का क्या एम होता है कि वो इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन को इनकरेज करे जिससे हायर आउटपुट आए और एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ जाए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। तो फोर कंट्री विद सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल ट्रेड और कैपिटल फ्लो, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी इज अ की टारगेट और मॉनेटरी पॉलिसी। ऐसी कंट्री जहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड काफ़ी ज़्यादा होता है उन कंट्रीज के लिए एक्सचेंज रेट को स्टेबल करना सबसे बड़ा टारगेट होता है मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। सेंट्रल बैंक में इंटरवीन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू स्टेबलाइज देयर करेंसी और इन्फ्लुएंस इट्स वैल्यू रिलेटिव टू अदर करेंसी। तो सेंट्रल बैंक क्या करती है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरवीन कर सकती है और अपनी करेंसी को स्टेबलाइज कर सकती है और उसकी वैल्यू को इन्फ्लुएंस होने से रोक सकती है। A stable exchange rate help reduce uncertainty in international trade and investment. अगर जो exchange rate है वो stable रहेगा तो उससे क्या होगा, uncertainty कम हो जाएगी international trade के अंदर, confidence promote होगा, inflationary pressure control में आ जाएगा जिसकी वजह से foreign currency में कोई भी fluctuation नहीं आएगी। Next है financial stability। तो maintaining financial stability is another important goal of monetary policy. Financial stability को maintain करना दूसरा गोल होता है मॉनेटरी पॉलिसी का। दिस इन्वॉल्व इंश्योरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ बैंकिंग सिस्टम, प्रिवेंटिंग फाइनेंशियल क्राइसिस एंड इंश्योरिंग फाइनेंशियल मार्केट फंक्शन एफिशिएंटली। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं,
बैंकिंग सिस्टम की स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाना कंट्री को, और फाइनेंशियल मार्केट को ये इंश्योर करना कि वो स्मूथली और एफिशिएंटली वर्क कर रहा है। सेंट्रल बैंक ऑफन एक्ट एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंकिंग सिस्टम इन टाइम ऑफ स्ट्रेस टू प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो सेंट्रल बैंक है उसे लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी माना जाता है, मतलब वो बैंकिंग सिस्टम को भी लोन प्रोवाइड करवाती है फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे, जिससे क्या हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोलैप्स ना हो। इसलिए नेक्स्ट आता है फुल एम्प्लॉयमेंट। तो व्हाइल फुल एम्प्लॉयमेंट इज ऑफन अ लॉन्ग टर्म गोल, सेंट्रल बैंक ट्राई टू इन्फ्लुएंस द लेबर मार्केट बाय एडजस्टिंग इंटरेस्ट रेट एंड अदर पॉलिसी मेजर। वैसे तो जो फुल एम्प्लॉयमेंट है वो लॉन्ग टर्म का मेजर है, लेकिन जो सेंट्रल बैंक है वो ट्राई करती है कि वो लेबर मार्केट को एडजस्ट कर सके इंटरेस्ट रेट और अदर पॉलिसी मेजर्स की मदद से। द आइडिया इज टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट विदाउट ट्रिगरिंग इन्फ्लेशन। इसका पीछे का गोल क्या होता है ऐसा करने का कि अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करा जा सके बट उससे इन्फ्लेशन भी ना बढ़े। द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कंसेप्ट सजेस्ट दैट देयर इज अ लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट द इकोनॉमी कैन सस्टेन विदाउट क्रिएटिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर। द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एक कंसेप्ट है जिसके अंदर हर कंट्री का एक रेट होता है, जितने लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वो कंट्री फेस कर सकती है बिना इन्फ्लेशनरी प्रेशर आए। सेंट्रल बैंक सीक्स टू मेंटेन द इकोनॉमी एट नियर दिस लेवल। तो सेंट्रल बैंक क्या करती है, उस लेवल पर इकोनॉमी को मेंटेन करने की कोशिश करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट आर टूल दैट सेंट्रल बैंक यूज टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी एंड अचीव इट्स टारगेट। मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, ऐसे टूल्स होते हैं जो सेंट्रल बैंक यूज करती है इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने के लिए और अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए। दीज इंस्ट्रूमेंट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट। इन जो ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन्हें हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट एंड अनकन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट। कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट में आ जाते हैं, कन्वेंशनल टूल आर द स्टैंडर्ड मैकेनिज्म यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। कन्वेंशनल टूल स्टैंडर्ड मैकेनिज्म है जो सेंट्रल बैंक यूज करती है मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस करने के लिए। इसमें आ जाता है पहला ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट बाय सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जब ओपन मार्केट के अंदर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज की बाय सेल करती है तो उसे कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ओएमओ इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ रिजर्व इन द बैंकिंग सिस्टम देयर बाय अफेक्टिंग शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट एंड मनी सप्लाई। जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है वो रिजर्व का लेवल चेंज कर देते हैं बैंकिंग सिस्टम के अंदर, जिससे क्या होता है शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई अफेक्ट होती है। ठीक है, सेकंड आता है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, दिस इज अ रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो शॉर्ट टर्म फंड फ्रॉम सेंट्रल बैंक बाय सेलिंग सिक्योरिटी विद एन एग्रीमेंट टू परचेज देम एट अ लेटर डेट। रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पर जो कमर्शियल बैंक होती हैं सेंट्रल बैंक से मनी बोरो करती हैं अपना कुछ एसेट सेल करके कि हम आगे चल के इसे रिपर्चेज कर लेंगे और आपका लोन वापस कर देंगे। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, दिस इज अ रेट एट विच कमर्शियल बैंक लेंड फंड टू सेंट्रल बैंक इन एक्सचेंज फॉर सिक्योरिटी। रिवर्स रेपो रेट के अंदर उल्टा होता है, जो कमर्शियल बैंक होती हैं वो सेंट्रल बैंक को मनी लेंड करती हैं सिक्योरिटी के अगेंस्ट। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो दीज रेट इन्फ्लुएंस द कॉस्ट ऑफ बोरिंग फॉर कमर्शियल बैंक एंड द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। जो ये रेट होते हैं रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट, ये कॉस्ट ऑफ बोरिंग को अफेक्ट करते हैं कमर्शियल बैंक की और मनी सप्लाई को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं इकोनॉमी के अंदर। नेक्स्ट है रिजर्व रिक्वायरमेंट, जिसके अंदर आपका कैश रिजर्व रेशियो आ जाता है। तो द रिजर्व रिक्वायरमेंट इज द फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट दैट कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू होल्ड विद द सेंट्रल बैंक एज अ रिजर्व। रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या होता है, डिपॉजिट का वो फ्रैक्शन जो कमर्शियल बैंक अपने साथ होल्ड करती हैं सेंट्रल बैंक के साथ होल्ड करती हैं अपने टोटल डिपॉजिट का। CRR इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ कस्टमर डिपॉजिट दैट बैंक मस्ट मेंटेन एज रिजर्व। CRR होता क्या है, कस्टमर के डिपॉजिट का एक वो परसेंटेज जो मैंडेटरी है उन्हें सेंट्रल बैंक के साथ होल्ड करना, मतलब सेंट्रल बैंक के पास रखना, वो कहलाता है कैश रिजर्व रेशियो। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बाय इंक्रीजिंग द CRR द सेंट्रल बैंक रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल फॉर बैंक टू लेंड विच कैन हेल्प कंट्रोल इन्फ्लेशन। जैसे ही सेंट्रल बैंक CRR को इंक्रीज कर देगी तो सेंट्रल बैंक के इस को इंक्रीज करने से क्या होगा, जो कमर्शियल बैंक के पास पैसा है वो कम हो जाएगा, जिससे वो कम पैसा लेंड कर पाएंगे और मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी। इससे रिड्यूसिंग द CRR इंक्रीज द लीडिंग कैपेसिटी एंड स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। वहीं अगर CRR को कम कर देगी बैंक तो
कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज्यादा हो जाएगा, लेंडिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी बैंक की और इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आता है डिस्काउंट रेट। तो द डिस्काउंट रेट इज द इंटरेस्ट चार्ज बाय सेंट्रल बैंक ऑन लोन दे प्रोवाइड टू कमर्शियल बैंक। डिस्काउंट रेट क्या होता है? वो रेट जो कि सेंट्रल बैंक चार्ज करती है कमर्शियल बैंक से जो उन्हें लोन प्रोवाइड करवाया है उसके लिए। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बाय एडजस्टिंग डिस्काउंट रेट सेंट्रल बैंक कैन इन्फ्लुएंस द बोरोइंग कॉस्ट फॉर कमर्शियल बैंक एंड कॉन्सिक्वेंटली अफेक्ट शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट एंड लिक्विडिटी इन द फाइनेंशियल सिस्टम। इंटरेस्ट वो डिस्काउंट रेट को एडजस्ट करके सेंट्रल बैंक क्या कर सकती है? बोरोइंग कॉस्ट को कम ज्यादा कर सकती है कमर्शियल बैंक की, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पर पड़ता है? मनी सप्लाई के ऊपर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है अनकन्वेंशनल टूल्स। अनकन्वेंशनल टूल्स कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले आता है क्वांटिटेटिव ईजिंग, क्यूई जिसे कहा जाता है। क्वांटिटेटिव ईजिंग इन्वॉल्व द सेंट्रल बैंक परचेजिंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड और अदर फाइनेंशियल एसेट टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इन द फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर जब मनी सप्लाई कम हो जाती है तो सेंट्रल बैंक क्या करती है? लार्ज क्वांटिटी में जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स वगैरह होते हैं उन्हें परचेज कर लेती है, तो उसे कहा जाता है क्वांटिटेटिव ईजिंग। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? क्यूई एम्स टू लोअर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट, इंक्रीज द मनी सप्लाई एंड इनकरेज बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट व्हेन ट्रेडिशनल टूल्स आर एग्जॉस्टेड। क्यूई का एम क्या होता है कि जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट है उसे कम कर सके, मनी सप्लाई को बढ़ा सके, और जो बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है मतलब बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट हैगी उसे इनकरेज कर सके। इसके अलावा क्या होता है? फॉरवर्ड गाइडेंस होती है। तो फॉरवर्ड गाइडेंस रेफर्स टू द सेंट्रल बैंक कम्युनिकेटिंग देयर इंटेंशन रिगार्डिंग फ्यूचर मॉनेटरी पॉलिसी सच एज फ्यूचर इंटरेस्ट रेट चेंजेस इन कंटिन्यूएशन ऑफ क्यूई। फॉरवर्ड गाइडेंस क्या होती है? सेंट्रल बैंक जब कम्युनिकेट करती है अपनी इंटेंशन को कि वो कि उनकी फ्यूचर मॉनेटरी पॉलिसी क्या होने वाली है, फ्यूचर इंटरेस्ट रेट में क्या क्या चेंज आने वाले हैं क्यूई के चलते, तो वो चीज़ कहलाती है फॉरवर्ड गाइडेंस। इसका एम क्या होता है? इट एम्स टू इन्फ्लुएंस मार्केट एक्सपेक्टेशन एंड बिहेवियर बाय प्रोवाइडिंग ट्रांसपेरेंसी अबाउट फ्यूचर पॉलिसी एक्शन। इससे ट्रांसपेरेंसी आ जाती है मार्केट के अंदर, क्योंकि जो बैंक है वो पहले ही बता देती है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, देयर बाय स्टेबलाइजिंग फाइनेंशियल मार्केट एंड प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी टू बिजनेस एंड कंज्यूमर। इससे जो फाइनेंशियल मार्केट है वो स्टेबलाइज हो जाती है और जो बिजनेस और कंज्यूमर है उन्हें सर्टेनिटी मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट ऑकर व्हेन सेंट्रल बैंक सेट देयर पॉलिसी रेट बिलो जीरो, मीनिंग दैट कमर्शियल बैंक हैव टू पे टू होल्ड रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है? जब अपनी जो सेंट्रल बैंक है वो पॉलिसी रेट को जीरो से कम कर दे। इसका मतलब क्या होता है? अगर कमर्शियल बैंक को अपना पैसा सेंट्रल बैंक के पास रखना है तो उसके लिए उन्हें पे करना पड़ेगा, तो वो कहलाता है नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। द गोल ऑफ नेगेटिव इंटरेस्ट रेट इज टू इनकरेज बैंक टू लेंड मोर, स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड स्पेंडिंग। इट इज यूजुअली एम्प्लॉयड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ वेरी लो इन्फ्लेशन एंड वीक इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका गोल क्या होता है कि बैंक ज्यादा से ज्यादा लेंड करें, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े और स्पेंडिंग बढ़े। ये किस लिए करा जाता है? जब रिसेशन का पीरियड होता है, वेरी लो इन्फ्लेशन होती है, उस टाइम पर ऐसा करा जाता है जिससे लेंडिंग बढ़ जाए, लोग ज़्यादा पैसा बोरो करने लगे और इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मॉनेटरी मैनेजमेंट इन एन ओपन इकोनॉमी। तो मॉनेटरी मैनेजमेंट इन एन ओपन इकोनॉमी इन्वॉल्व द प्रोसेस बाय विच अ कंट्री सेंट्रल बैंक और मॉनेटरी अथॉरिटी मैनेज द मनी सप्लाई इंटरेस्ट रेट एंड एक्सचेंज रेट एंड कैपिटल फ्लो इन कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंशियल इंटरेक्शन। मॉनेटरी मैनेजमेंट इन एन ओपन इकोनॉमी एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो कंट्री की सेंट्रल बैंक होती है और जो भी मॉनेटरी अथॉरिटी होती है वो मनी सप्लाई को, इंटरेस्ट रेट को, एक्सचेंज रेट को और कैपिटल फ्लो को मैनेज करती हैं इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंशियल इंटरेक्शन के साथ में। इन एन ओपन इकोनॉमी अ कंट्री इज इंटरकनेक्टेड विद ग्लोबल इकोनॉमी, मीनिंग दैट चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट एंड ग्लोबल इकोनॉमी कंडीशन इन्फ्लुएंस डोमेस्टिक मॉनेटरी पॉलिसी। ओपन इकोनॉमी के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होते हैं उनमें चेंज आने की वजह से, इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट में चेंज आने की वजह से क्या होता है, जो डोमेस्टिक मॉनेटरी पॉलिसी होती है उनमें भी चेंजेस आ जाते हैं, उस चीज को कहा जाता है आपका एक ओपन इकोनॉमी। ठीक है, तो मॉनेटरी मैनेजमेंट के कौन कौन से टूल होते हैं ओपन इकोनॉमी के अंदर? पहला आता है इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट। तो सेंट्रल बैंक एडजस्ट इंटरेस्ट रेट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, स्टेबलाइज द करेंसी एंड इन्फ्लुएंस कैपिटल फ्लो। जो सेंट्रल बैंक होती है वो इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट करती है जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है, करेंसी स्टेबलाइज हो जाती है और जो कैपिटल का इन्फ्लो है वो इन्फ्लुएंस होता है।
इंटरेस्ट रेट चेंज अफेक्ट द इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन एंड एक्सचेंज रेट। तो जो इंटरेस्ट रेट में चेंज आता है उससे इन्वेस्टमेंट में, कंजम्पशन में और एक्सचेंज रेट में चेंजेस आते हैं, ठीक है। इसके अलावा भाई ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, इसके अंदर जो सेंट्रल बैंक होती है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीद लेती है लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए। एक्सचेंज रेट इंटरवेंशन क्या होता है, तो इन सम केसेस सेंट्रल बैंक में इंटरवीन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू स्टेबलाइज और एडजस्ट वैल्यू ऑफ करेंसी। कई बार करेंसी की वैल्यू को, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को स्टेबलाइज करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करती है, फॉरेन मार्केट में इंटरवीन करती है एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा कैपिटल फ्लो होता है, तो टू मैनेज एक्सेसिव कैपिटल इनफ्लो आउटफ्लो सम कंट्रीज इम्पोज कैपिटल कंट्रोल। कई बार एक्सेसिव कैपिटल इनफ्लो या आउटफ्लो ना हो उसके लिए काफी सारी कंट्रीज क्या करती हैं, कैपिटल कंट्रोल लगा देती हैं और फॉरवर्ड गाइडेंस प्रोवाइड करवाती हैं। मतलब बैंकिंग पहले से ही बता देती है कि फ्यूचर में मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो सकती है, ठीक है। तो ये आपके टूल होते हैं मॉनेटरी मैनेजमेंट इन एन ओपन इकोनॉमी के। नाउ देखिए, नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी इज अ टाइप ऑफ डिजिटल और वर्चुअल करेंसी दैट यूजेस क्रिप्टोग्राफी फॉर सिक्योरिटी, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू काउंटरफीट और डबल स्पेंड। क्रिप्टो करेंसी क्या है, एक तरीके की डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है जो कि क्रिप्टोग्राफी सिक्योरिटी के लिए यूज, क्रिप्टोग्राफी को सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज करती है अपने। इसको काउंटरफीट करना डिफिकल्ट हो जाता है और ना ही हम इसे डबल स्पेंड कर सकते हैं। अनलाइक ट्रेडिशनल करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक, क्रिप्टो करेंसी ऑपरेट ऑन डिसेंट्रलाइज नेटवर्क बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अ डिस्ट्रीब्यूटर लेजर इन्फोर्स्ड बाय अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नोन एज माइनर्स। जैसे ट्रेडिशनल करेंसी होती है उसे कोई भी सेंट्रल बैंक इशू करती है, लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पर ऑपरेट होती है ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी से। इसको एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के थ्रू ऑपरेट करा जाता है, एक नेटवर्क के थ्रू दिया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, माइनर्स कहते हैं। क्रिप्टो करेंसी ऑफर एन अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम दैट हैव गेन्ड वाइडस्प्रेड अटेंशन ड्यू टू देयर पोटेंशियल टू डिसरप्ट वेरियस इंडस्ट्री स्पेशली फाइनेंस। क्रिप्टो करेंसी एक अल्टरनेटिव है किसका, ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम का, और इसने काफी ज्यादा अटेंशन गेन करी है। किस वजह से, क्योंकि इसने काफी सारी जो फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज है उन्हें डिसरप्ट कर दिया। द मोस्ट वेल नोन क्रिप्टो करेंसी इज बिटकॉइन। जो सबसे जानी हुई क्रिप्टो करेंसी है वो बिटकॉइन है, बट देयर वॉज थाउजेंड ऑफ अदर क्रिप्टो करेंसी ईच विद इट्स ओन यूज केस एंड वैल्यू प्रोपोजिशन। लेकिन इसके अलावा भी काफी और सारी क्रिप्टो करेंसीज भी हैं जो अपने अपने यूजेस के लिए, अपने अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन के लिए जानी जाती हैं। की फीचर्स क्या क्या होते हैं क्रिप्टो करेंसी के, पहला आता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पर किसी की भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है। क्रिप्टो करेंसी आर टिपिकली डिसेंट्रलाइज, मीनिंग नो सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट कंट्रोल देम, इंस्टेड दे आर मेंटेन्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। इसको कोई भी सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट मैनेज नहीं करती है, ये एक नेटवर्क के थ्रू मैनेज होती है जिसे क्या कहा जाता है, नोड्स कहा जाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, मोस्ट क्रिप्टोकरेंसी यूजेस अ ब्लॉकचेन व्हिच इज अ पब्लिक इम्यूटेबल लेजर दैट रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन। दिस लेजर इज मेंटेन्ड बाय मल्टीपल नोड्स मेकिंग इट ट्रांसपेरेंट एंड सिक्योर। जिस जगह पर इन्हें स्टोर करा जाता है या इनको रखा जाता है वो चीज कहलाती है आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर जो लेजर्स होते हैं उनमें से रिकॉर्ड करा जाता है। सेकेंड फीचर है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी इंश्योर दैट इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ ट्रांजेक्शन। जो क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजेक्शन होती हैं उसकी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का यूज करा जाता है। द इंक्रिप्शन मेथड यूज इन क्रिप्टोकरेंसी मेक इट वर्चुअल पॉसिबल टू अल्टर ऑफ क्लासिफाइड ट्रांजेक्शनल डाटा। ये एक तरीके का वर्चुअल सिक्योरिटी होती है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जिसके पास इसकी एक्सेस होती है वो इसके फिर ट्रांजेक्शन डेटा में जो भी चीजें करना चाहता है वो कर सकता है। नेक्स्ट है एनोमिटी एंड पैसिवनियोमिटी। वाइल क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन ब्लॉकचेन एंड आर विजिबल टू ऑल, द आइडेंटिटी ऑफ यूजर आर टिपिकली नॉट डायरेक्टली टाइड टू देयर ट्रांजेक्शन। इंस्टेड यूजर ऑपरेट थ्रू वॉलेट एड्रेस विच आर पैसिवनियोमियस। क्रिप्टो करेंसी की जो ट्रांजेक्शन होती है वो वर्चुअली होती है, ब्लॉकचेन के थ्रू ऑपरेट होती है, विजिबल होती है, लेकिन जो यूजर की आइडेंटिफिकेशन होती है वो सभी को विजिबल नहीं होती है, उसे एक वॉलेट एड्रेस के थ्रू जाना जाता है और सिर्फ जो वॉलेट एड्रेस है उसके यूजर्स होंगे उन्हीं को उसकी एक्सेस मिलती है। हाउएवर सम क्रिप्टोकरेंसी फोकस मोर ऑन प्राइवेसी ऑफर एनहांस्ड एनोनिमिटी फीचर, और कुछ क्रिप्टोकरेंसी होती है उनमें और ज्यादा अच्छे फीचर होते हैं एनहांस्ड एनोनिमिटी वाले, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी। तो क्रिप्टोकरेंसी कैन बी एक्सेस्ड एंड ट्रांजैक्ट ग्लोबली 24/7 विद लिटिल टू नो इंटरेक्शन। जो क्रिप्टोकरेंसी है वो आप कहीं भी
कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, 24/7 आपको अवेलेबल होते हैं और इसमें किसी भी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है इनके ट्रांजेक्शन पर। दिस मेक देम एन अट्रैक्टिव अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल करेंसी फॉर इंडिविजुअल इन कंट्री विद अनस्टेबल इकोनॉमीज और लिमिटेड एक्सेस टू बैंकिंग सर्विस। तो ऐसी कंट्री जहां पर बैंकिंग सर्विस कम है या लिमिटेड एक्सेस है, उस जगह के लिए ये बेटर अल्टरनेटिव है क्योंकि आप इसे कहीं भी कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेड सप्लाई। तो मेनी क्रिप्टोकरेंसी सच एज बिटकॉइन हैव अ फिक्स्ड सप्लाई और कैप्ड टोटल अमाउंट। दिस लिमिटेड सप्लाई कैन बी कंट्रीब्यूटेड टू देयर वैल्यू मेकिंग देम अ डिफ्लेशनरी एसेट। कई सारी क्रिप्टोकरेंसी जैसे कि बिटकॉइन हो गए, इनकी एक कैप्ड टोटल अमाउंट है, उससे ज्यादा ये इशू हो ही नहीं सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है, इनकी लिमिटेड सप्लाई हो जाती है और ये डिफ्लेशनरी एसेट बन जाते हैं। अब कुछ पॉपुलर क्रिप्टोकरेंसी के बारे में बताया गया है, जैसे कि पहला है बिटकॉइन। ये लॉन्च हुआ था 2009 में एक एनोनिमियस फिगर के साथ। और किसने लॉन्च करा था, सतोशी नेकमोटो ने इसे लॉन्च करा था। इसका पर्पस क्या था, ओरिजिनली डिजाइंड एज P2P डिजिटल कैश सिस्टम टू बाईपास ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंटरमीडियरी एंड इनेबल बोर्डलेस ट्रांजेक्शन। यूज केसेस क्या है, बिटकॉइन इज प्राइमरी यूज्ड एज स्टोर ऑफ वैल्यू। इसको हम एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू यूज करते हैं, जिसे हम डिजिटल गोल्ड भी कहते हैं। अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट है एक। इसके अलावा एथेरियम है दूसरा क्रिप्टो करेंसी। लॉन्च हुआ था ये 2015 में, विटालिक बर्टन एंड अदर ने इसे लॉन्च करा था। इसका पर्पस क्या था, एथेरियम इज मोर देन जस्ट अ क्रिप्टो करेंसी, इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर बिल्डिंग डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। ये क्रिप्टो करेंसी के साथ साथ एक प्लेटफॉर्म है जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाता है, एग्जीक्यूटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करता है। यूज केसेस क्या है, एथेरियम इज यूज फॉर वेरियस डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एप्लीकेशन, टोकन क्रिएशन एंड डिजिटल आइडेंटिटी सॉल्यूशन। ठीक है, इसके अलावा रिपल है, इसे 2012 में रिपल लैब्स ने लॉन्च करा था। पर्पस क्या था, रिपल्स इज अ बोथ डिजिटल पेमेंट प्रोटोकॉल एंड अ क्रिप्टोकरेंसी डिजाइन टू फैसिलिटेट फास्ट लो कॉस्ट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एंड रेमिटेंस। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट और रेमिटेंस करनी होती है तो ये रिपल इसमें वर्क करता है। इसके अलावा लाइट कॉइन है, ये 2011 में चार्ली ली ने लॉन्च करा था, जो फॉर्मल गूगल के इंजीनियर थे। पर्पस क्या था, लिटकॉइन इज बेस्ड ऑन बिटकॉइन बट एम टू ऑफर फास्टर ट्रांजेक्शन टाइम एंड मोर एफिशिएंट माइनिंग एंड एल्गोरिथम। ये था बिटकॉइन की तरह ही, लेकिन इसमें क्या देखा करा गया था कि ये फास्टर ट्रांजेक्शन टाइम रहेगा इसमें और माइनिंग एल्गोरिथम इजी रहेगा, एफिशिएंट रहेगा। क्रिप्टो करेंसी के एडवांटेजेस क्या क्या हो जाते हैं, सबसे पहले डिसेंट्रलाइज एंड कंट्रोल है, मतलब इसके ऊपर किसी भी बैंकिंग सिस्टम, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है, ये एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क के थ्रू ऑपरेट होती है। सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफिक का यूज करा जाता है इसके अंदर सिक्योरिटी पर्पस के लिए, जो कि मोस्ट सिक्योर नेटवर्क बना देता है इसे। फिर लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है, तो क्रिप्टोकरेंसी टिपिकली हैव लोअर ट्रांजेक्शन फी कंपेयर टू ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम। इसमें जो ट्रांजेक्शन फी होती है बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो क्रिप्टोकरेंसी प्रोवाइड अ फाइनेंशियल सर्विस टू पीपल विदाउट एक्सेस टू ट्रेडिशनल बैंकिंग, स्पेशली डेवलपिंग कंट्री वेयर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मे बी लिमिटेड और अब्सेंस। जो क्रिप्टोकरेंसी है वो लोगों को कहीं से भी एक्सेस करने को अलाउ करता है, जिसकी वजह से लोगों को बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, ट्रेडिशनल बैंकिंग के पास नहीं जाना की जरूरत पड़ती है। ट्रांसपेरेंसी रहती है, सारी ट्रांजेक्शन डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पर ऑपरेट होती है, वहां पर विजिबल होती है, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहती है। ठीक है, रिस्क और चैलेंजेस क्या क्या होते हैं क्रिप्टो करेंसी में। सबसे पहला चैलेंज होता है वॉलेटिलिटी में। तो जो क्रिप्टो करेंसी के प्राइजेस होते हैं वो हाईली वॉलेटाइल होते हैं, और मार्केट में चेंज आने की वजह से एकदम से कुछ भी, कितने भी कम और कितने भी ज्यादा हो सकते हैं। फिर है रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी। तो द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट फॉर क्रिप्टोकरेंसी इज इवॉल्विंग, मेनी गवर्नमेंट आर स्टिल फिगरिंग आउट हाउ द रेगुलेटर क्रिप्टोकरेंसी। क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जो इसका एनवायरनमेंट होता है वो अनसर्टेन होता है, तो उस केस में इसे रेगुलेट करना गवर्नमेंट के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। सिक्योरिटी का थ्रेट होता है, जैसा कि ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी होती है जो कि बहुत ही ज्यादा सिक्योर है, लेकिन फिर भी कई सारे इसमें हैकिंग वगैरह का और थेफ्ट वगैरह का डर रहता है कि कोई भी अगर अच्छा एक हैकर होगा तो वो इसे आसानी से फिर हैक कर सकता है। वैसे काफी ज्यादा सिक्योर नेटवर्क होता है तो इसे हैक करना काफी ज्यादा मुश्किल है। फिर स्कैम एंड फ्रॉड। तो क्रिप्टो करेंसी को लेकर काफी सारे स्कैम होते हैं, फ्रॉड होते हैं, पोंजी स्कीम वगैरह, पंप एंड डंप स्कैम, ये सारे क्रिप्टो करेंसी को लेकर ही है। इसमें लोग दूसरे लोगों को जिन्हें इसकी नॉलेज नहीं है उन्हें पागल बनाकर उनके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड करते हैं, तो उस चीज का डर रहता है इसमें। फिर एनर्जी कंसम्पशन,
क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन यूज अ प्रूफ ऑफ वर्क कॉन्शियस मैकेनिज्म दैट रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पावर एंड एनर्जी टू प्रोसेस ट्रांजेक्शन एंड न्यू कॉइन्स। इसमें एनर्जी कंजम्पशन काफी ज्यादा होता है क्योंकि इसकी जो सारी ट्रांजेक्शन होती है डिजिटली होती है और डिजिटली ट्रांजेक्ट करने के लिए उसमें एनर्जी कंजम्पशन की जरूरत पड़ती है, तो ये भी एक इसका चैलेंज हो जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी जो ये यूनिट नंबर 4 है ये कंप्लीट हो जाती है। इसकी वन शॉट रिवीजन जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सारे मैंने आपको कवर करवा दिया। होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।